हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी का मतलब क्या होता है देखिए ज़रा, व्हाट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, तो दिस इज़ अवर टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके जाता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लिए है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। पहले तो हम बात करेंगे इसके कुछ टर्म्स जो इस्तेमाल की जाती हैं, व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड। तो सबसे पहली टर्म आती है मिनरल। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिनरल्स। देखिए बेटा, मिनरल्स का मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ एनी मेटल दैट एग्जिस्ट इन नेचर। कोई भी मेटल जिस रूप में नेचर में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ एनी मेटल डेट एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड एज मिनरल। नाउ अब आती है बात ओर्स की। देखो, कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए बेटा सोडियम है, तो सोडियम आपको अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि NaCl के फॉर्म में नेचर में पाया जा सकता है, या फिर सोडियम सल्फेट के रूप में नेचर में पाया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में नेचर में पाया जा सकता है। तो मतलब ये कि कोई भी मेटल जो होते हैं, मेटल की अगर बात करेंगे तो हमारे पास देखो याद है ना आपको सीरीज, डैट इज लिखना क्या मांगे, आलू जीरा फिर कोली सुनो प्रभु हाइड्रोजन, और आगे क्या आता है, डैट इज कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम। तो अगर हम बात करें तो ये तो होते थे नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स जो हैं, जो लीस रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो तो नेचर में किस रूप में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हो गए या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए, ये कभी फ्री स्टेट में नहीं अवेलेबल हो सकते। तो ये जो मेटल्स हैं, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, दीज आर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट हो सकते हैं इन फ्री स्टेट। ठीक है, नेटिव स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं नेचर के अंदर। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम लीस्ट रिएक्टिव की बात को छोड़कर बाकी मेटल्स की बात करें, तो ये मेटल्स हमें नेचर के अंदर इसी फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये हमें या तो मिलेंगे किसी कंपाउंड के रूप में, या फिर ये मिलेंगे हमको किसी ओर्स के फॉर्म में। बात समझ में आ गई। तो जो इनके कंपाउंड के फॉर्म होते हैं, जिस रूप में ये नेचर में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओर्स क्या होगा, व्हाट इज ओर्स। ओर्स हम कैसे बोलते हैं बेटा, बात समझिए, जितने भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो तो कंबाइन फॉर्म है नेचर का, मेटल्स का जो नेचर में एग्जिस्ट है। तो ओर्स हम बोलते हैं इफ बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन का मतलब उसको अलग करना, ठीक है, इज डन ऑन एनी मिनरल, किसी भी मिनरल पर, देन इट्स सेड टू बी ओर, तब उसे ओर का नाम देंगे। बेटा कहानी को समझिए आप, क्या करने जा रहे हो और क्या हो रहा है इसमें कंसेप्ट में, तो देखना आप इस चीज़ को ध्यान से। मान लीजिए बेटा, इस पूरे टॉपिक में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कोई फैक्ट्री डाली है। ठीक है, तो फैक्ट्री डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको चाहिए इसमें रॉ मटेरियल, ठीक है, आपको चाहिए इसमें मैन पावर, है ना, आपको चाहिए इसमें मशीन्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल, इसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता ना सब कुछ। तो आपने जब फैक्ट्री डाली है तो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया इसी के अंदर। तो अब आपने मान लो कि आयरन की इंडस्ट्री डाली, आपको आयरन वहाँ से निकालना होता है, तो आयरन को निकालने के लिए आप जाते हो नेचर के अंदर। नेचर के अंदर आयरन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, Fe2O3 के फॉर्म में है, Fe SO4 के फॉर्म में अवेलेबल मिल सकता है आपको, Fe3O4 के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, ये इनके मिनरल्स कहलाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन्हें हम ओर कहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम ओर उसे कहेंगे जिसके अंदर, अब देखो ये अकेला तो मिलेगा नहीं, जैसे आप मैग्नेट लेते हो और मिट्टी में रोल करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि Fe2O3, Fe3O4, Fe SO4, ये बहुत सारे अलग कॉम्पोनेंट्स भी मिलते हैं साथ में, इनके साथ में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ भी जुड़ी हुई रहती हैं, आपको इम्प्योरिटीज़ भी मिलेगी साथ में। तो जैसे कि आपने Fe2O3 और इम्प्योरिटी को मैग्नेट पे ला लिया, ठीक है, उस पे आ गया, अब वो सबकी स्टडी करके आपने देखा कि किस किस पे कितना कितना इम्प्योरिटीज़ अटैच है।
जब भी हम इंडस्ट्री भी डालते हैं, एक फैक्ट्री डालेंगे, तो उसमें सबसे पहले काम ये होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल का, कि रॉ मटेरियल कहाँ सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना है आपको। तो उसके लिए आप छोटे से टुकड़े को तोड़कर क्या करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग करने पर हमें पता लग जाता है किसके पास कितनी इंप्योरिटी है और इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जनरली ये रॉक्स हो गए या फिर आपके ओशंस हो गए, यहाँ पर मिलते हैं आपको मेनली चीज़ें। तो आपने मेटल को, मिनरल्स को लिया, अब मैं इनको मिनरल कह रहा हूँ, आपने इनको मिनरल्स को लिया, ये सभी मिनरल्स हैं, इन सभी मिनरल्स को लिया और इनके स्टडी किया, और स्टडी करने पे पाया है कि Fe2O3 के पास में कम इम्प्योरिटी है, इसके पास ज़्यादा इम्प्योरिटी है, इसके पास और ज़्यादा इम्प्योरिटी है। तो आपने इनमें से सिर्फ इसका इस्तेमाल किया फॉर द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको कम खर्चा लगेगा, मैन पावर कम लगेगा, जल्दी काम होगा, आपका पैसे में मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। तो अगर किसी भी मिनरल का हम एक्सेशन करते हैं और उसमें हमें बेनिफिट और प्रॉफिट होता है, तब उस मिनरल को हम ओर कहेंगे। कहानी समझ में आई? तब उस मिनरल को हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। तो बेटा बात ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट बोला जाता है कि ऑल ओर्स, जितने भी ओर्स होते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। उन्हें हम ओर का नाम नहीं दे सकते। कैसे बेटा? एक वेन डायग्राम के थ्रू समझिए। मान लीजिए मिनरल है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं, दीज आर द मिनरल्स। अब इसमें से सिर्फ मिनरल्स हैं, मतलब अलग अलग, जैसे मान लो आयरन का ही लिया मैंने, तो आयरन के मिनरल्स अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। अब इनमें से सिर्फ इतना सा हिस्सा था जो हमने इस्तेमाल किया, किसके लिए हमने इस्तेमाल किया? फॉर मेटलर्जी के लिए। तो ये तो हो गए सारे के सारे मिनरल। तो मिनरल तो एक ब्रॉड क्लास है, सारे मिनरल को हम एक्सेशन में नहीं लेते, हम अलग करने के लिए नहीं लेते मेटल को, हम सिर्फ उन मिनरल्स को लेंगे जिसके पास इम्प्योरिटी का नंबर कम हो, जो आसानी से अलग किया जा सकता हो, जिसमें हमें कम खर्चा लगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो। समझ में आया? तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सारे के सारे ओर्स तो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे मिनरल्स ओर होंगे? नहीं। देखो, ये सारा का सारा मिनरल था और इसमें छोटा सा पार्ट ओर था, तो ओर को तो हम यूज़ करते हैं फॉर मेटलर्जी के लिए, मेटलर्जिकल ऑपरेशन के, लेकिन सारे मिनरल्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहानी समझ में आई बेटा? ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब कुछ और टर्म्स है जो आपको सीखने हैं, दैट इज गैंग। व्हाट इज गैंग? गैंग आर non-fusible. Non-fusible का मतलब होता है non-melted impurities associated with ore. ये वो impurity है जिसको हम मेल्ट करके हटा नहीं सकते, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करेगा। जैसे कि आपने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को मिट्टी में रोल किया, रोल करने पे आयरन के पार्टिकल्स अटैच हो गए, क्योंकि मैग्नेटिक थे, आपको ये पता है, बचपन में खूब किया होगा, लेकिन उसमें काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ आए, उसके अंदर मिट्टी आ गए, SiO2 के पार्टिकल्स आ गए, उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स भी आ गए, उसके अंदर और छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स आ गए और अदर पार्टिकल्स भी आ गए। कुछ को तो आप हाथों से हटा लेते हो, कुछ को आप वॉश करके हटा लेते हो, लेकिन वो इम्प्योरिटी जो मेटल के साथ में कंबाइन फॉर्म के साथ जुड़ गई है, जो उसको मेल्ट नहीं कर पा रहे हो आप, उसे हम गैंग का नाम देंगे। अच्छा, इसका नीचे याद रखना, ये एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है, दो तरह के फॉर्म में मिल सकता है आपको। नाउ फ्लक्स की बात करें, ये वो केमिकल्स होते हैं जो इसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू रिमूव गैंग। गैंग को हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे वो कैसा होगा? वो फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखना कि गैंग का नेचर, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब ओर लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने पे पता लग जाता है कि गैंग एसिडिक है, बेसिक है, या किस तरह का नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स का डिसाइड करते हैं। तो अगर गैंग एसिडिक निकला तो फ्लक्स आपका बेसिक लेना पड़ेगा ताकि सॉल्ट बना पाए, और अगर गैंग आपका बेसिक निकला तो फ्लक्स आपको एसिडिक लेना पड़ेगा ताकि सॉल्ट बन जाए। ठीक, अब थर्ड टर्म आती है, दैट इज स्लैग। व्हाट इज स्लैग? स्लैग इज फ्यूजिबल। फ्यूजिबल की जगह पे आप मेल्टेड लिख सकते हो, मेल्टेड सॉल्ट। ये सॉल्ट होते हैं फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स। फ्लक्स और गैंग को मिलाने पर जो मेल्टेड फॉर्म बनता है, मेल्टेड सॉल्ट जो बनता है, उस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। तो याद रखिए बेटा, जो गैंग और फ्लक्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो बनता है स्लैग। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? गैंग तो होता था नॉन मेल्टेड,
नॉन मेल्टेड हो रहा था, इसीलिए मेटलर्जी के प्रोसेस में सारा कुछ हमने करना पड़ रहा है। अब उसको फ्लक्स मिला के हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मेल्टेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, मेल्टेड सॉल्ट। अब मेल्टेड सॉल्ट बन गया तो उसको आराम से लेयर फॉर्म में हम उसको हटा सकते हैं, मेल्ट हो चुका है तो आराम से उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है, बाय डिफरेंट ऑपरेशंस। तो आई थिंक ये पांचों टर्म समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। एक बार देखो उसको ढंग से और कोशिश करो कि इनमें से कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इनमें पर्टिकुलरली कोई डाउट होगी तो यू कैन मैसेज मी, ऑलराइट। नाउ अब बात करते हैं कि इसको कैसे काम किया जाता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस किस तरह से करवाया जाता है आपके। देखिए बेटा, मेटलर्जी करवाने के लिए हमारे पास कोई भी फिक्स्ड मेथड्स नहीं है, कोई भी फिक्स्ड मेथड नहीं है। हम डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज वी यूज द मेथड्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योरिटीज, हम सुटेबल मेथड को इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो फिक्स्ड मेथड अप्लाइड फॉर द एक्सेप्शंस, बट वी कैन से फोर की स्टेप, चार की स्टेप्स हो सकते हैं, उन की स्टेप्स को फॉलो करके हम आगे का काम कर सकते हैं। वो चार की स्टेप्स कौन सा है, पहला काम होता है डेट इज कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ओर जो आपने ओर लिया था इनटू कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। सबसे पहला काम ये करते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू कंसंट्रेटेड ओर। सेकंड काम हम ये करते हैं डेट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। थर्ड काम हम करते हैं, थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। फोर्थ हम करते हैं दैट इज कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल, ठीक है। इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, तो जनरली चार स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग। पहला स्टेप ओर को कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि ओर की मात्रा बढ़ाना, उसकी अमाउंट को बढ़ाना, मतलब इम्प्योरिटीज को थोड़ा अलग कर देंगे तो उसकी अमाउंट बढ़ गया आपका, ठीक है। इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करते हैं और इसका इसको हम लोग बहुत सारे नाम देते हैं, इसको हम लोग देते हैं दैट इज बेनिफिकेशन ऑफ ओर, इसका अलग अलग नाम होता है, इसको हम बोलते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसको हम ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कह सकते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। और सेकंड में आता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड, जो ओर हमारा कंसंट्रेटेड ओर जो हमारा बना था उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, मेटल ऑक्साइड में। थर्ड स्टेप में हम जो मेटल ऑक्साइड, अच्छा ये प्रोसेस, चलो प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा आपको, जो कन्वर्जन ऑफ ओर जो होता है मेटल ऑक्साइड होता है इम्प्योर मेटल के अंदर जो कन्वर्ट करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज स्मेल्टिंग, ये प्रोसेस कहलाता है स्मेल्टिंग, या फिर इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शन ऑफ ओर, स्मेल्टिंग ऑफ ओर या फिर रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला स्टेप होता है, जनरली सिर्फ ये स्टेप ही पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर। एक और बात ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर सीधा फ्लो चार्ट भी पूछते हैं आपसे, 3 मार्क्स का फ्लो चार्ट आ जाता है सीधा सीधा, बोलते हैं कि राइट द फ्लो चार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय टेकिंग अ सुटेबल मेटल, कोई भी मेटल का एग्जांपल लेते हुए आपको बताना है, ठीक है। अब लास्ट इज कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल बना उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग, रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन, दो नाम दिए जाते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर या फिर रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो जनरली डेफिनेशन बन जाती है, व्हाट इज स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग इज द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग और रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है। दूसरा कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज रिफाइनिंग, रिफाइनिंग इज कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू द प्योर मेटल इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। तो सिंपल सिंपल डेफिनेशन भी यहाँ से याद रख सकते हो आप। अब आती है बात बहुत सारी चीज़ें की, कि पहले तो हम लोग यहाँ पे ओर्स के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से ओर्स नेचर में अवेलेबल होते हैं और किस किस फॉर्म में ये चीज़ पाई जाती है, तो पहले उसको याद रखो, फिर हम बात करेंगे इसके फ्लो चार्ट पे और फिर एक एक करके स्टडी करते हैं उसको, ऑलराइट। बेटा बड़े ध्यान से देखना है इनको, बड़े ध्यान से समझना है आपको, और साइमल्टेनियसली आप अगर इसको नोट डाउन करते जाओ तो आपको ये अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। नाउ ओर्स की बात करते हैं, ये जो ओर्स होते हैं ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं नेचर के अंदर, या तो होते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, या तो होते हैं सल्फाइड के फॉर्म में,
या फिर होते हैं ये आपके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। तो हमें इन पर स्टडी करनी होगी कि किस टाइप के ओर का क्या नाम है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि मैंने कहा Fe2O3, इस ओर का नाम होता है हेमेटाइट, इसे हम बोलते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट ओर। तो मैं इसको हेमेटाइट कह रहा हूँ, मैं इसको आयरन ऑक्साइड क्यों नहीं कह रहा हूँ, फेरस ऑक्साइड क्यों नहीं कह रहा हूँ, या फेरिक ऑक्साइड क्यों नहीं कह रहा हूँ। तो बेटा इसका रीज़न समझना, इसको फेरिक ऑक्साइड इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड प्योर फॉर्म हो गया। अगर मैंने कहा हेमेटाइट ओर तो इसका मतलब इस ऑक्साइड के साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटी जुड़ी हुई है। तो जब भी ओर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उस ओर के साथ में आपको ध्यान रखना है कि वो जो कंपाउंड है उसके साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटी है, उसको हम प्योर में लाएंगे बाद में, तभी तो स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं आपको। तो ओर का मतलब ही है कि इम्प्योरिटीज जुड़ी हुई है उसके अंदर, ठीक है। अब एक और चीज़, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ टू सल्फाइड ओर्स, टू ऑक्साइड्स ओर्स, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है इन ओर्स के नाम पे। तो पहले हम बात करते हैं कुछ ओर्स के बारे में। जैसे पहला ओर ले लेते हैं हम लोग Fe2O3, इसको हमने क्या कहा, हेमेटाइट ओर। इसको अच्छे से लर्न करना है बेटा, हेमेटाइट ओर, ठीक। दूसरा आता है Fe3O4, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट ओर, मैग्नेटाइट ओर। थर्ड आता है आपका SnO2, इसको हम क्या बोलते हैं, कैसेट्राइट ओर, कैसेट्राइट ओर। फोर्थ आता है Al2O3, उसको बोलते हैं बॉक्साइट, ये बॉक्साइट ओर होता है, ठीक है। फिर आता है NaCl, इसको कहा जाता है रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। फिर आता है आपके पास कुछ और एग्जांपल लेते हैं, HgS को बोला जाता है सिनेबार, ठीक है। देन वी हैव CuCO3.CuOH2, ठीक है, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है वो तो प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इम्प्योरिटी जुड़ गई तो इसे बोलते हैं मलाचाइट, मलाचाइट ओर, ठीक है। और आता है आपके पास PbS, लेड सल्फाइड ओर, तो इसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग, गैलिना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डेट इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ओर का ही नाम होता दरअसल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे कि Ag2S, इसको बोलते हैं अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट ओर, ठीक है। देन आपके पास आता है CuFeS2, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट्स, इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, फूल्स गोल्ड, गोल्ड की तरह दिखता है बट होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और ओर्स, लाइक कॉपर के थोड़े से और देखते हैं, Cu2S, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस। ZnS, जिंक ब्लेंडे, ठीक है। तो बेटा आपको इतने ओर्स का नाम तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए, समझ में आ गई बात। ये सारे के सारे ओर्स आपके मेटलर्जिकल ऑपरेशन में 10th क्लास के सिलेबस में डाले हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन से बन के आपके सामने आएंगे। और भी कुछ बच जाएगा तो हम लोग मेटलर्जी के साथ में करेंगे। तो पहले इन ओर्स का आपको अच्छे से नाम याद रखना है, ठीक है। हेमेटाइट ओर, मैग्नेटाइट ओर, मैग्नेटाइट ओर किसका होता है, फेरोफेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड ओर, ठीक है। कैसेट्राइट ओर, टिन का ओर है ये, ठीक है। एल्युमिनियम का ओर ये है। अच्छा, एल्युमिनियम के दो ओर का नाम पूछा जाता है तो एक और नाम याद रख सकते हैं हम लोग, Na3AlF6, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ भी चुका है, राइट द एनी टू ओर नेम ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के दो ओर का नाम बताओ। तो एक तो हो गया बॉक्साइट, जिसमें एल्युमिनियम आता है, और एक हो गया आपके पास क्रायोलाइट, जिसके अंदर क्या आता है आपके पास, दैट इज एल्युमिनियम आता है आपके पास, मेन एल्युमिनियम और सोडियम का ओर की ये कंबाइन कहलाए जाते हैं। अब एक और चीज़ याद रखो, अगर आपसे बोल दिया जाए बेटा नेम एनी टू ऑक्साइड ओर, तो ऑक्साइड ओर के नाम बताओ, तो ऑक्साइड ओर के जिसमें ऑक्साइड्स आ रहे हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड्स हैं, ये हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, कैसेट्राइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है। ये क्लोराइड ओर है, ये सल्फाइड ओर है, सिनेबारी सल्फाइड ओर, ठीक है। कॉपर ग्लैंस इज सल्फाइड ओर, जिंक ब्लेंड इज सल्फाइड ओर, तो सल्फाइड्स ओर हो गया, गैलिना इज सल्फाइड्स ओर, अर्जेंटाइट इज सल्फाइड ओर, ठीक है। कॉपर पाइराइट इज ऑल्सो सल्फाइड ओर, तो इससे बात करेंगे हम लोग। बोलेंगे कार्बोनेट के ओर का नाम बताओ, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, एक और याद रखना डोलोमाइट, MgCO3.CaCO3, इसको बोलते हैं डोलोमाइट ओर,
डोलोमाइट ओर, ठीक है। तो इतने ओर्स को आपको परफेक्टली लर्न करना है बाय हार्ट, बेटा इनको रट लेना, एक क्वेश्चन पक्का मिलता है राइट, इनमें से बॉक्साइट ओर किसका है ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर एल्यूमिनियम का ओर बिलो में से कौन सा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब सारे बन के आते हैं यहाँ से, तो इनको सबसे पहला काम रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। अब ओर करने के बाद में हम लोग बात करते हैं इसके ऑपरेशंस के बारे में कि कैसे कैसे इसको फॉलो करते हैं। बेटा मेक श्योर कि आप लोग साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते रहो, वीडियो पॉज करके आप लिखते चलना। नाउ सेकंड थिंग, तो ये तो थे इसका बेसिक क्राइटेरिया जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं इसके ऊपर। अब आती है सेकंड थिंग। सेकंड थिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बात की थी, पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा और उसके बाद हम लोग एक एक स्टडी करके फिर हम लोग एग्जांपल्स पे लेंगे। तो आज तो सिर्फ स्टेप्स के बारे करेंगे, कल एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग इसके पूरी एग्जांपल्स के फॉर्म में हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप आता था आपके पास कंसंट्रेशन या कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू कंसंट्रेटेड ओर, जिसका बेटा क्या क्या नाम बोला था हमने, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, और एक और नाम दिया था ड्रेसिंग ऑफ ओर, इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहा जाता है। तो पहला स्टेप ये है। अब इस स्टेप के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, देखो बेटा आपने मालगाड़ी तो देखी होगी, ठीक है। फैक्ट्रीज में सीधा जो माल लेके जाते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, वो हाथों से तो लेके नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में लाखों टन एक साथ सामान बनाना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको कैरियर चाहिए। तो हम लोग जनरली ट्रक्स के थ्रू या फिर मालगाड़ी के थ्रू लेके जाते हैं। तो आपने इसमें नोटिस किया होगा, उसमें बड़े बड़े कई बार पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, या मिट्टी होती है, ऐसी चीज़ लेके जाते हैं लोग, तो वो होता है इनके लिए रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हम उस रॉ मटेरियल को किसी के भी मीडियम के थ्रू लोड करके फैक्ट्री तक पहुँचाते हैं। अब पहुँचाने के बाद क्या है, वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको सीधा ऐसे ऑपरेशन में नहीं ले जाते, वहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, वहाँ पर हमें उसको पहले पीसते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर धोते हैं, फिर सुखाते हैं। तो तोड़ना, पीसना, धोना, सुखाना, ये चार स्टेप हो गए, ठीक है। तो कैसे कैसे, तो फर्स्ट स्टेप जो आता है, इनके नाम याद रखना, फर्स्ट स्टेप हम इसमें पढ़ते हैं, डेट इज पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन, PULVERIZATION, पल्वराइजेशन, ठीक है। पल्वराइजेशन का मतलब होता है डेट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर बाय द पल्वराइज्ड मशीन, पल्वराइज्ड मशीन, ठीक है। पल्वराइज मशीन के द्वारा इसको क्रश किया जाता है। अब देखो ये बड़ी बड़ी मशीन में जॉज होते हैं, जैसे ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उसको काटती है, और काटने के बाद क्या करती है, छोटे छोटे पीसेस में कर देती है। फिर नीचे इसके बाद स्लैब लगा होता है, जैसे कि आपकी चक्की होती है आटा चक्की, उसी तरह से वो पीसे हुए जाते हैं, उसमें ग्राइंड हो जाता है, ये रोटेट होती है, ठीक है। तो पल्वराइजेशन का मतलब है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, मतलब तोड़ना और पीसना किसी भी ऊपर। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ओर, ठीक है। ओर का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। देखो एक बात समझो, जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई चौक है, इस चौक में अंदर की तरफ कोई मिट्टी के पार्टिकल दबे पड़े हैं, तो आप उसको बाहर से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि अंदर थी वो, तो वो सामने एक्सपोज तब होगी जब इसको आप क्रश कर दोगे, ग्राइंडेड फॉर्म में कर दोगे। अगर इसको आपने ग्राइंड कर दिया, तोड़ के पीस दिया, तो बेटा इम्प्योरिटी भी सामने आ गई और आपका क्या सामने आ गया, ओर भी सामने आ गया, तो उस पर आगे काम किया जा सकता है। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग जनरली सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, मेटलर्जी पढ़ रहे हो तो दिमाग में होनी चाहिए कि फैक्ट्री डाली गई है, फैक्ट्री के अंदर आपने बहुत सारा पैसा लगाया है, आपने बहुत सारे उसमें मैन पावर रखा है, मशीनरी रखी है, तो आप सिर्फ वो काम करोगे जिससे आपको बेनिफिट हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसमें लॉस में चले जाओ, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। तभी तो हमने ओर को सुटेबल चूज़ किया था, अदरवाइज़ हम लोग कोई भी मेटल को लेते, कोई भी हम लोग कंपाउंड ले लेते और काम करना स्टार्ट कर देते, तो उसमें दिक्कत आती। क्या दिक्कत आती, इसमें ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा इकोनॉमी, ज़्यादा पैसा खर्च होता, फिर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता, तो ऐसी चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड आता है आपके पास, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन,
ग्रेविटी सेपरेशन, ये भी इसी का स्टेप है, ठीक है। अब ज़रा बात समझना बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, या इसका एक और नाम होता है लेविगेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी कॉल्ड एज लेविगेशन, ठीक है। तीन नाम दिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। लेविगेशन पूछा जाता है, व्हाट इज लेविगेशन। नाउ लेविगेशन का मतलब क्या होता है भाई, तोड़ लिया और पीस लिया, अब आपने धोना है, ठीक है। तो ओर को धोने से पहले हम क्या करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और क्या काम करता है, ये बात याद रखिए। पहले हम बात करते हैं, इट इज़ यूज फॉर हैवी मेटल ऑक्साइड ओर, ये बात ध्यान रखना, किसके लिए होता है, हैवी मेटल ऑक्साइड ओर, ठीक है। इन विच इम्प्योरिटीज आर लाइटर इन वेट, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हल्की होनी चाहिए, और मेटल जो होगा वो ऑक्साइड का होना चाहिए और हैवी होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपके पास आ जाता है हेमेटाइट आ गया, हेमेटाइट क्या था, Fe2O3 ओर, ठीक है। कैसेट्राइट क्या था, SnO2, ये बहुत हैवी ओर्स हैं और ऑक्साइड्स के हैं। हम लोग गैलिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैलिना इज PbS, वो सल्फाइड का ओर हो गया, तो सल्फाइड के ओर के लिए प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होता, ये इस्तेमाल किसके लिए होगा, ऑक्साइड्स के लिए होगा, और ऑक्साइड्स भारी होता है। अब देखो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड और कैसे काम करता है, तो इसका डायग्राम याद रखिए आप, किस तरह से काम करवाते हैं हम लोग। एक कंटेनर लेते हैं रूम जितना बड़ा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग पीसा हुआ जो ग्राइंडेड ओर हमने लिया था अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज, वो यहाँ आता है, दिस इज ग्राइंडेड ओर, ये आपका ग्राइंडेड ओर है विद इम्प्योरिटी, ठीक है, ग्राइंडेड ओर विद इम्प्योरिटी। नाउ यहाँ से हम लोग वाटर फ्लो करवाते हैं, वाटर करंट, तेज़ी से वाटर करंट पास करवाते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए होगा क्या, ये जो ग्राइंडेड ओर है ये नीचे आएगा भैया, यहाँ पे आके ओर और इम्प्योरिटी दोनों सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। ओर भी आ गया और इम्प्योरिटीज़ भी आ गई, इस तरह से इम्प्योरिटीज़ भी सेटल डाउन हो जाती है। अब ज़रा बात समझिए, जैसे ही वाटर आएगा यहाँ पर, जैसे ही वाटर आएगा तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं, हल्की इम्प्योरिटी है, वो तो पानी के फ्लो के साथ में ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आके बाहर की तरफ निकल जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा बेटा, पीछे बच जाएगा हैवी मेटल ओर, ठीक है। तो हम लोग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड किया, कि भैया यहाँ प्रिंसिपल ये काम कर रहा है कि आपने कोई ग्राइंडेड ओर विद अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटी डाली, और जैसे वाटर करंट पास करवाया तो वाटर करंट की वजह से क्या, हल्की इम्प्योरिटी, देखो ध्यान क्या रखना है कि हैवी मेटल तो ओर था और इम्प्योरिटी हल्की थी, तो हैवी मेटल तो सेटल डाउन हो गया और इम्प्योरिटी ऊपर वाटर के साथ में फ्लो के बाहर सीधी निकल गई, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइटर वेट इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे बाय द वाटर करंट, ठीक है, फ्रॉम हैवी मेटल ओर, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है बेटा, आई थिंक बहुत सिंपल सी कहानी थी, समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पल्वरेशन का मतलब क्रशिंग और ग्राइंडिंग करना, सिंपल सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है लेविगेशन, जिसको हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं या ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन से बोलते हैं क्योंकि हैवी जो होता है उस पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, हल्की उस पर ग्रेविटी कम लगेगी। तो हम लोगों ने लाइटर वेट इम्प्योरिटीज़ को हैवी मेटल ओर से अलग किया बाय द मीन्स ऑफ वाटर करंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड्स के लिए होना चाहिए, भारी होना चाहिए, इम्प्योरिटी हल्की होनी चाहिए, तभी इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। थर्ड प्रोसेस इसी स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही थर्ड प्रोसेस है हमारे पास, वी कॉल्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ सी मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन।
देखो नाम में ही मैग्नेटिक आ गया है, तो पता चल गया होगा कि या तो ओर या फिर इम्प्योरिटीज, दोनों में से एक मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा नॉन मैग्नेटिक. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट मैग्नेटिक ईदर ओर Either or impurity, या तो or या फिर impurity is magnetic, ठीक है, and can be removed by magnetic V, ठीक है, या can be removed from the other, ठीक है. तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक सेपरेशन करवाने के लिए आपको क्या करना है, या तो ओर या फिर इम्प्योरिटी, दोनों में से एक मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा नॉन मैग्नेटिक, तभी इस प्रोसेस को अप्लाई करोगे. दोनों मैग्नेटिक हो गए तो मैग्नेटिक के थ्रू तो हो ही नहीं पाता, ठीक है, अगर दोनों नॉन मैग्नेटिक है तो भी सेपरेशन नहीं हो, सेपरेशन तो तब होगा जब एक मैग्नेटिक हो और दूसरा नॉन मैग्नेटिक. अब देखो प्रोसेस कैसे करवाते हैं, इसमें दो व्हील्स होते हैं, एक होता है नॉन मैग्नेटिक, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, और दूसरा हम ले लेते हैं मैग्नेटिक व्हील, ये मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, इसके ऊपर लगा देते हैं नॉन मैग्नेटिक बेल्ट, ठीक है, ये क्या है नॉन मैग्नेटिक बेल्ट, और यहाँ से इस पर पास करवाते हैं ग्राइंडेड ओर, यहाँ से पास करवा रहे हैं हम ग्राइंडेड ओर विद इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के साथ में ग्राइंडेड ओर यहाँ से पास करवा रहे हैं. अब देखो क्या होगा बेटा, जैसे ही व्हील रोटेट करेगा तो ये जो इम्प्योरिटीज़ और जो ओर था वो भी रोटेट करेगा भैया, और धीरे 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 आके नीचे गिर जाएगा. अब जरा बात को ध्यान से समझना, हीप लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ढेर बनेंगे, दो, एक इस जगह पे बनेगा और एक इस जगह पे बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा नॉन मैग्नेटिक. क्यों बेटा, सीधी सी बात है, अगर मैग्नेटिक होता तो इसके साथ चिपक के आगे तक जाता है जहाँ तक इसकी पावर होती फिर नीचे गिरता, लेकिन यहाँ तो नॉन मैग्नेटिक तो सीधे नीचे गिर गया, ठीक है, और यहाँ होगा मैग्नेटिक. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप हेमेटाइट ओर लेते हो, हेमेटाइट, तो बेटा ये तो होता है मैग्नेटिक, ठीक है, और जो इसके साथ गैंग जुड़ी होती है, जो इम्प्योरिटी जुड़ी होती है, वो होती है नॉन मैग्नेटिक. तो बेटा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाते हैं कि हेमेटाइट ओर के अंदर गैंग कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड की गैंग होती है, जो कि कैसी होती है नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा. तो हेमेटाइट ओर के साथ जुड़ी हुई इम्प्योरिटी कौन सी थी, SiO2 सिलिका थी, इसको सिलिका बोलेंगे, और ये नॉन मैग्नेटिक होती है. अगर मैं हेमेटाइट ओर यहाँ से स्प्रेड करवा रहा होता तो ज़रा बात समझिए क्या होता, हेमेटाइट ओर और गैंग दोनों जारी होती है, ठीक है, तो जो गैंग थी वो तो यहीं पर अलग होगी, ठीक है, जो इम्प्योरिटी थी वो यहाँ अलग हो जाती है, और जो आपके पास जो मैग्नेटिक पार्ट था, जो ओर था, वो यहाँ पे मिलेगा आपको. तो आप इस ढेर को अलग कर लो, कंटेनर में इकट्ठा कर लो और आगे की तरफ प्रोसेसिंग करवा सकते हो. बात आई समझ में बेटा, ठीक है, तो मैग्नेटिक तीन प्रोसेस समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है. सो हमने तीन प्रोसेस पढ़ लिया था, अब चौथा प्रोसेस आता है आपका, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, फोर्थ इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया था हमारे तीन हो गए थे, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, और पल्वरेशन हो गया फर्स्ट स्टेप के अंदर. तो अब हम लोग देखेंगे डेट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है. फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में बेटा आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए, जैसे आपका था हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑक्साइड ओर के लिए, जैसे वैसे ही ये किसके लिए, ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है, किसके लिए होगा, सल्फाइड ओर्स के लिए, ये बात ध्यान रखना. सल्फाइड ओर्स के अंदर एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, जैसे कि आपका आ जाता है गैलिना, है ना, PBS, सिनेबार, दैट इज HGS, ठीक है, एसेक्ट्रा,
कॉपर ग्लैंड्स, कॉपर पायराइट्स, ये सब इसी के एग्जांपल है, तो थोड़ा सा याद रखना है इसको। अब दूसरी बात कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज वेटेबिलिटी, मतलब गीला होना, दैट ओर पार्टिकल्स, जो ओर के पार्टिकल्स हैं आर वेटेड, वेटेड बाय ऑयल, व्हाइल द इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाय वाटर पार्टिकल। तो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो ओर पार्टिकल्स होते हैं, पहले तो ये याद रखना है, इट इज़ बेस्ड ऑन द वेटेबिलिटी प्रिंसिपल डैट ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ओर्स ऑयल। जो ओर के पार्टिकल्स होंगे वो किसके द्वारा वेट होंगे, दे आर वेटेड बाय ऑयल, एंड द इम्प्योरिटी आर वेटेड बाय वाटर। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट है याद करना, पूछा जाता है बहुत बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो इसका प्रिंसिपल के बाद में इसमें कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं वो ध्यान रखिए। देखो इसमें कंटेनर लिया जाता है, ठीक, यहाँ से ग्राइंडेड ओर डालेंगे हम लोग, जो भी आपका ग्राइंडेड ओर विद इम्प्योरिटी, दिस इज द ग्राइंडेड ओर, ग्राइंडेड ओर विद इम्प्योरिटी, ठीक है। अब इसमें डाला जाता है एक शाफ्ट, इस तरह से, शाफ्ट मतलब एक रोटेटर है, रोटेटिंग व्हील, और यहाँ से इसमें पास करवाई जाती है एयर फ्लो, दिस इज एयर करंट, ये एयर पैसेज है, ठीक है, दिस इज एयर पैसेज। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही हम इसमें ओर्स डालते हैं तो ओर तो यहाँ पे इम्प्योरिटी के साथ सस्पेंडेड हो जाता है अंदर ही, इस तरह से सस्पेंडेड हो गया, ठीक है, और यहाँ से तीन चीज़ें मिलाई जाती हैं इसमें, फर्स्ट इज वाटर, पाइन ऑयल एंड सोडियम इथाइल ज़ेंथेट, इथाइल ज़ेंथेट, ये तीन चीज़ें मिलाई जाती हैं, तीनों का रोल इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे वाटर यहाँ पे आएगा तो वो वाटर इस तरह से पूरा फिल्ड हो जाएगा कंटेनर के अंदर, ठीक है बेटा। अब ज़रा बात को ध्यान से समझिए, अगर हम शाफ्ट को घुमाएंगे, अगर ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो क्या होगा, देखो आप ऐसा समझ लिए कि आपने एक बॉटल लिया, उस बॉटल के अंदर आपने क्या किया, मिट्टी और कुछ ऑयल के पार्टिकल्स को डाल लिया और डाल दिए, तो मिट्टी के पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ऑयल पार्टिकल, इसे मिट्टी के पार्टिकल लिया और उसमें डाल दिया तो मिट्टी के पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। जब ये रोटेटर घूमेगा, ये रोटेटिंग व्हील जब घूमेगा, तो तेज़ी से घूमने से जो मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो सारी जगह बिखर जाएंगे, है ना, वैसा ही काम यहाँ होगा। जो हमने ओर पार्टिकल अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेरी रेड वाली हैं, तो जो ओर पार्टिकल है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो दोनों के दोनों इस पूरे पानी के कंटेनर के अंदर सस्पेंडेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, प्लस यहाँ से एयर पैसेज भी दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, हवा ब्लो कर रहे हैं, तो हवा डालेंगे तेज़ी से, तो जो भी अंदर इसमें सेटल डाउन हुआ था वो पूरी तरह से इसमें सस्पेंडेड हो जाएगा। अब बात समझिए क्या क्या रोल है, जो पाइन ऑयल का रोल है, पाइन ऑयल क्या करता है, पाइन ऑयल एब्जॉर्ब करता है सल्फाइड ओर पार्टिकल्स को, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सल्फाइड ओर पार्टिकल्स एंड मेक फ्रोथ, झाग बनाता है, ठीक है, और क्या करता है, झाग बनाता है, तो ये क्या करेगा, झाग बनाएगा, फ्रोथ बनाएगा, मतलब जितने भी ओर के पार्टिकल्स थे उनको इसने पकड़ लिया इस तरह से, और बबल्स के फॉर्म में, झाग के फॉर्म में आ जाता है। अब क्योंकि व्हील घूम रहा है इसीलिए ये बबल्स इधर उधर रोटेट करते रहेंगे, ठीक है, जब व्हील को हम स्टॉप करेंगे तो ये जो झाग है, बबल्स जो बन रहे थे, इसके झाग बने थे, वो इकट्ठे होकर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है, एयर ब्लो चल रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें एयर पार्टिकल्स की वजह से, एयर ब्लो की वजह से सरफेस पे तो आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि कंबाइन नहीं हो पाता, कलेक्ट नहीं होता, ये बबल्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, मतलब ये जो फ्रोथ है ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इनको जोड़ने का काम करता है सोडियम इथाइल ज़ेंथेट, तो इट एक्ट एज अ कलेक्टिंग एजेंट। ये तो क्या काम करता है, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल फ्रोथिंग एजेंट का काम करता है, ये फ्रोथिंग एजेंट का काम करेगा,
ठीक है, फ्रोथिंग एजेंट, FRO8H। ये फ्रोथिंग एजेंट का काम करेगा, जबकि सोडियम इथाइल जेंथेट क्या करता है, कलेक्टिंग एजेंट का काम करेगा, या ऐसे लिखो इट एक्ट एज कलेक्टिंग एजेंट, ये कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इट कलेक्ट द फ्रूथ, मतलब क्या है, इट कलेक्ट द फ्रूथ, बात समझ में आई बेटा। नाउ वाटर का काम क्या होगा, वाटर के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्वेंट, देखो प्रिंसिपल पढ़ो, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेटेबिलिटी, मतलब जितने भी ओर के पार्टिकल्स थे वो तो किसी ऑयल के द्वारा एब्जॉर्व हो जाएंगे, ठीक है, और जो इम्प्योरिटी है वो किसके द्वारा एब्जॉर्व होगी, बाय द वाटर पार्टिकल। तो वाटर का क्या रोल हो गया यहाँ पर बताओ बेटा, वाटर का क्या रोल है, तीन चीज़ें मिलाई थी ना हमने, सोडियम इथाइल ज़ेंथेट, पाइन ऑयल और वाटर, तो वाटर का क्या रोल होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द इम्प्योरिटी पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी पार्टिकल्स, ठीक है। तो समझ में आया, वॉट इज बेसिकली द फ्रोथिंग एजेंट या फ्रोथिंग फ्रोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्रोटेशन प्रोसेस पहले तो याद रखना, इट इज़ ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स लाइक गैलिना, सेनेबर, कॉपर पायरेट्स एक्सेट्रा। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेटेबिलिटी, दैट ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल, जितने भी ओर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल के द्वारा यूज एब्जॉर्व किए जाते हैं, वेट का मतलब एब्जॉर्व हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे और कुछ ना कुछ कंपाउंड बना के अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो पाइन ऑयल जनरली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, पाइन ऑयल के अलावा हम लोग यहाँ पे यूकलिप्टस ऑयल या फिर कोई एडिबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपका यूकलिप्टस ऑयल है या फिर जो पाइन ऑयल है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, जनरली पूछा जाता है, ठीक है। इनके फंक्शंस याद रखना है आपको, व्हाट आर द फंक्शंस, पाइन ऑयल का फंक्शन ये है कि एब्जॉर्व करता है सल्फाइड ओर पार्टिकल्स को एंड मेक फ्रूट, झाग बनाता है और एब्जॉर्व करता है, दो काम है। सोडियम इथाइल ज़ेंथेट क्या करता है, क्योंकि व्हील घूमता रहता है और एयर ब्लो चलती रहती है इसके अंदर से, तो ये जो बबल्स हैं जो फ्रोथ बने ये इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए इसको इकट्ठा करने का काम करता है सोडियम इथाइल ज़ेंथेट। नाउ वाटर क्या काम करेगा, भैया जो इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी को कौन एब्जॉर्व कर लेगा, वाटर पार्टिकल्स एब्जॉर्व कर लेंगे। अब जैसे वाटर पार्टिकल एब्जॉर्व कर लेंगे इम्प्योरिटीज़ को, तो अब हम इसको टिल्ट करके या फिर एक चैनल से थ्रू अलग कर देंगे बाकी कंटेनर के अंदर से, मतलब यहाँ से अगर आप इसको आउटलेट दे दो, यहाँ से आउटलेट दे दें, तो पानी धीरे धीरे निकलता जाएगा, लास्ट में बच जाएगा झाग, फ्रोथ बच जाएगा, अब उस फ्रोथ को इकट्ठा करके कहीं और दूसरे प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया बेटा अच्छे से या नहीं आया, बड़े ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को और बताइए, ठीक है। तो मेन प्रोसेस इसका यूसेस हैं, तो यूसेस पर खास ध्यान रखना है आपको कि कौन सा यूज़ किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आया समझ में, यस, ठीक है ना। तो डायग्राम में ध्यान से देखिए आप कि वाटर का क्या रोल है, पाइन ऑयल का क्या रोल है, पाइन ऑयल के अलावा हम लोग सोडियम इथाइल ज़ेंथेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट एंड द लास्ट जो इसमें स्टेप आता है, वी कॉल्ड एस दैट इज लीचिंग, ठीक है। लीचिंग पे तो सीधा डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं आपसे, व्हाट इज एक्चुअली द लीचिंग इज, तो ध्यान रखिए। नाउ फिफ्थ इसमें प्रोसेस आता है, अच्छा इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ, वॉशर वूमेन के ऊपर ये कहानी थी, ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो था इसको एक इनोवेटिव आइडिया दिया था बाय अ वॉशर वूमेन, ठीक है। वॉशर वूमेन मतलब जो बाई होती कपड़े धोती हैं जो, ठीक है, धोबी, उसने कैसे, वो क्या करते थे बेसिकली, कॉपर माइंस थे, कॉपर माइन के वर्कर्स के कपड़े धोया करती थी, इट्स यूएसए की बात है। तो उनकी कॉलोनी में कुछ कॉपर माइनर्स थे और कुछ उनके पास में जो थे वो साइंटिस्ट वगैरह ऐसे भी लोग रहते थे उनके कॉलोनीज में। तो जो माइनर्स के कपड़े धोते थे तो वो साबुन लगाती थी, झाग बनाती थी, तो वो जो कपड़ों में से जो कॉपर माइनर्स थे तो कॉपर माइंस के जो पार्टिकल्स हैं कॉपर के वो वहीं रुक जाते थे उनके पास, तो झाग आगे फ्लो नहीं करता था, जबकि नॉर्मल लोगों की वो धोती थी तो आगे चले जाते। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई, तो उसके घर के आसपास कोई साइंटिस्ट रहता होगा उसके कॉलोनी में, तो उसको बताया, तो फिर उसने ये आइडिया डिसाइड किया कि ऐसे ये चीज़ आई। तो द वॉशर वूमेन गिव द आइडिया ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो ये आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए था, अब याद रखना इसको। नाउ फिफ्थ जो इसमें स्टेप आता है दैट इज ई स्टेप, वी कॉल्ड इज लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वॉट इज लीचिंग, ठीक है, तो बेटा पहले इसको डेफिनेशन देखिए, whenever ore is treated with, whenever ore is treated with a suitable chemical in which ore is soluble and the impurities
आर इनसॉल्युबल। दिस इज द प्रिंसिपल। मतलब आपसे बोल दिया जाए कि लीचिंग की डेफिनेशन क्या है या लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? लीचिंग इन दिस इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट द ओर इज ट्रीटेड विद अ सुटेबल केमिकल इन विच ओर इज सॉल्युबल। ओर तो भैया सॉल्युबल हो जाता है जबकि इम्प्योरिटीज सॉल्युबल नहीं होती। अब बेटा यहाँ पे बात समझने के मतलब ये है कि सॉल्युबल होने का मतलब क्या है। सॉल्युबल होने का मतलब है कि जो ओर है वो किसी सुटेबल केमिकल, जो मैंने सुटेबल केमिकल लिखा, ये डिसाइड करना पड़ेगा किसके लिए क्या है, तो किसी सुटेबल केमिकल को इस्तेमाल करके हम उस ओर को मिलाएंगे और वो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कुछ नया कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। जबकि इम्प्योरिटी जो है वो कंपाउंड नहीं बना पाएगी, वो इनसॉल्युबल रहेगी। बात समझ में? जैसे मान लो कि नमक है और मेरे पास मिट्टी है, इनका मिक्सचर है, तो मैं क्या करता हूँ, नमक और मिट्टी के मिक्सचर को पानी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, जितना भी नमक था वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो गया और मिट्टी पानी में सॉल्युबल नहीं है, उसको छान लो तो सारा का सारा जो नमक था पानी के साथ अलग हो जाएगा और मिट्टी अलग हो गई आपकी। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल आपको याद रखना है इसके लिए, जो काफ़ी बार पूछा गया आपसे, काफ़ी बार बोर्ड में आया, दैट इज़ द बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस जो है इसको हम लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम भी कहते हैं, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम के नाम से भी बोला जाता है इसको, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में आता है। तो भैया देखिए, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, दिस इज़ द ओर, ठीक है, ये इम्प्योर ओर है। इम्प्योर ओर का मतलब इसके अंदर फिलहाल बहुत सारी इम्प्योरिटीज पड़ी हुई हैं। तो एलुमिना जो होता है, इट इज़ कॉल्ड एज बॉक्साइट, ये बॉक्साइट का ओर था, ठीक है। अब इसको हम लोग, अब देखो इम्प्योर ओर है तो इसमें दो बातें क्या हैं, एक तो ये कि इसके अंदर एलुमिना है प्लस इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब ओर तो है ही साथ में इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इसीलिए इसको इम्प्योर ओर का हमने और नाम दिया बॉक्साइट ओर, ठीक है। तो ये जो बॉक्साइट ओर है फिलहाल इम्प्योर है क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी ढेर सारी है। अब इसके अंदर हम मिलाते हैं NaOH। तो ये जो सुटेबल केमिकल जो मिलाया जा रहा है, इसमें कहा था ना कि वेन एवर ओर इज ट्रीटेबल सुटेबल केमिकल, तो जो केमिकल मिलाया जाता है उसे कहा जाता है लीचिंग एजेंट। लीचिंग एजेंट, तो लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज इन द लीचिंग प्रोसेस टू गेट सॉल्युबल द ओर। किसी ओर को सॉल्युबल करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है लीचिंग एजेंट, ठीक है। तो एल्यूमिना के अंदर हमने क्या मिलाया, दैट इज बॉक्साइट ओर के अंदर हमने मिलाया NaOH, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ बॉक्साइट ओर, क्यों, क्योंकि याद रखना है इसमें कि बॉक्साइट ओर का मतलब है एलुमिना प्लस इम्प्योरिटी। तो इसमें से एलुमिना रिएक्शन कर जाएगा लेकिन इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं करेगा। अब आपको तो पता है ये बात कि एलुमिना जो होता है इट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो एसिड के साथ भी कर सकता है, वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ बनता है कि हम यहाँ पर HCl का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एलुमिना तो HCl के साथ भी रिएक्शन करता है ना। तो थोड़ी सी बात याद रखिए, ये जो बॉक्साइट होता है ना बेटा, बॉक्साइट, इसको एडिशनल नॉलेज में याद रखना, बॉक्साइट जो है वो दो टाइप का होता है, वन इज रेड बॉक्साइट, अनदर इज वाइट बॉक्साइट, ठीक है। जनरली इंडिया में बॉक्साइट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है, लाल मिट्टी होती है, सफ़ेद मिट्टी होती है, बालू मिट्टी से बोलते हैं हम लोग, तो उनके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है। तो उसका कलर रेड क्यों होता है, तो वो बात याद रखिए, रेड बॉक्साइट के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, वो होती है आयरन ऑक्साइड की, Fe2O3 की, इसकी वजह से रेड होती है, ठीक है। और जो वाइट होती है, जो बालू मिट्टी होती है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो कौन सी होती है, दैट इज़ SiO2 की। अब एक और चीज़, आयरन ऑक्साइड इज़ अ मेटल ऑक्साइड जो कि कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, जबकि सिलिका ऑक्साइड, सिलिकन एक नॉन मेटल, तो ये कैसा है आपका, एसिडिक नेचर का है। तो हम जो यहाँ पे बॉक्साइड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा ऑक्साइड है, दैट इज़ रेड बॉक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड बॉक्साइड को NaOH के साथ, मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे सिर्फ लीचिंग एजेंट NaOH ही क्यों लिया, तो बेटा इस बात को आप अलग से नोट डाउन करके नोट में लिख लेना अलग से कि बॉक्साइड दो टाइप का होता है, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में वापस बताऊंगा आपको ढंग से, ठीक है। तो दो टाइप का होता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ ये होती हैं, रेड के अंदर, रेड बॉक्साइड के अंदर इम्प्योरिटी आयरन की होती है, जो बेसिक नेचर की, वाइट बॉक्साइड के अंदर इम्प्योरिटी इसकी होती है। अब थोड़ा सा बैक टू दिस, तो जो मैंने कहा रेड बॉक्साइड के अंदर हमने HCl क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो बेटा बात समझिए, आपने लिया रेड बॉक्साइड डेट इज़ Al2O3 प्लस, अगर HCl लेते तो HCl तो बेटा एसिड है ना, और अगर ये आपका रेड बॉक्साइड होता, या आप बोलते कि ये वाइट बॉक्साइड होता, ठीक है, सॉरी ये रेड बॉक्साइड है, फिलहाल मैं रेड बॉक्साइड की बात कर रहा हूँ, रेड बॉक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी क्या थी, Fe2O3 की, जो कि कैसी थी बेटा, बेसिक। तो बेटा बात समझिए, एलुमिना भी HCl के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेता, AlCl3, मतलब सॉल्युबल हो गया, और ये जो है
इम्प्योरिटी, ये भी तो HCl के साथ रिएक्शन करके आपका कोई कंपाउंड बना सकती थी, FeCl3 बना सकता था प्लस वाटर अलग कर देता, तो मतलब दोनों ही कंपाउंड बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों सॉल्युबल हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें ओर के साथ में जो लीचिंग एजेंट है वो ऐसा लिया जाना चाहिए जो सिर्फ ओर के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल करे, उसको सॉल्युबल करने का मतलब वो उसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाए, लेकिन इम्प्योरिटी के साथ ना बनाए। बात क्लियर हुई, समझ में आया? ध्यान से देखना, हमने कहा कि रेड बॉक्साइट जो होता है उसके साथ इम्प्योरिटी बेसिक होती है। अगर आप HCl लेते लीचिंग एजेंट NaOH के बजाय HCl लेते तो क्या होता? अगर आप HCl लेते लीचिंग एजेंट को तो रेड बॉक्साइट के अंदर इम्प्योरिटी जो थी वो बेसिक थी, तो उसके भी तो चांसेस हैं कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते तो वो भी तो सॉल्युबल हो गया। अगर दोनों चीज़ सॉल्युबल होगी तो हमने अलग क्या किया, समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ और को सॉल्युबल करें, इम्प्योरिटी को नहीं, इसीलिए हमने बेस लिया। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि वाई वी टेक लीचिंग एजेंट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया जाता है, या कोई बेसिक लीचिंग एजेंट KOH भी ले सकते हो आप, कोई बेस ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है? बेस है और इम्प्योरिटी भी बेसिक थी रेड ऑक्साइड के अंदर, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करने वाला, वो करेगा सिर्फ इसके साथ Al2O3 हमें पता है एम्फोटेरिक के दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो जनरली यहाँ पर क्या होगा, Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है? ये याद रखना है, ये सॉल्युबल होता है, ठीक है? प्लस साथ में क्या दे देगा, वाटर दे देगा। तीन स्टेप में प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट स्टेप था इसका ये। नाउ सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, दिस इज स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप। हमने लीचिंग एजेंट बहुत कम अमाउंट में लिया था, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। अब ये जो AlO2 बना है इसको हम लोग वाटर के साथ स्ट्रांगली हीट अप करते हैं। जैसे स्ट्रांगली हीट अप करेंगे तो यहाँ बन जाता है AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस NaOH लार्ज अमाउंट में बन जाएगा आपका पास, ठीक है? तो ये लार्ज एक्सेस में मिलेगा, लार्ज अमाउंट में मिलेगा। तो बेटा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि बेयर प्रोसेस के अंदर बाई प्रोडक्ट क्या है, तो बाई प्रोडक्ट इज NaOH। NaOH ही लिया था लीचिंग एजेंट, लेकिन कम अमाउंट में, एक या दो मतलब 100-200 ml लिया होगा, और बना कितना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बना, क्योंकि आपके पास जो ओर था वो काफ़ी क्वांटिटी में था, ठीक है? नाउ थर्ड थिंग, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको अब स्ट्रांगली हीट अप करेंगे, थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड। जब स्ट्रांगली हीट अप करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 प्लस वाटर के अंदर। अब बात समझिए, नाउ दिस इज द प्योर, अब इसको मैं एलुमिना कह सकता हूँ, अब मैं इसको बॉक्साइड नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि बॉक्साइड कहते हैं इम्प्योरिटी शब्द आ जाएगा, और यहाँ तो हमने इम्प्योरिटी को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो सॉल्युबल तो हुई नहीं थी, तो वो पीछे रहेगी। अब सिर्फ मेरे को मिला प्योर एलुमिना। बात समझ में आई बेटा? पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझिए। लीचिंग का मतलब होता है जब भी किसी ओर को सुटेबल केमिकल के साथ ट्रीट करवाया जाए जिसमें ओर तो सॉल्युबल हो जाए, इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल हो जाए। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस, ये इसका प्रिंसिपल है और यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द डेफिनेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमसे बेयर प्रोसेस, बेयर प्रोसेस का मतलब लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम के दो ओर्स होते हैं, रेड बॉक्साइट होता है और वाइट बॉक्साइट होता है। इनकी इंप्योरिटीज़ का ध्यान रखना कि इसके साथ जो इंप्योरिटी जुड़ी हुई होती है रेड के साथ वो कैसी होती है, बेसिक होती है, इसीलिए वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन Al2O3 एम्फोटेरिक होने की वजह से रिएक्शन करके सॉल्युबल हो जाता है, मतलब कंपाउंड बना गया। अब इस कंपाउंड को अलग करते हैं, वाटर के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करवाते हैं तो बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, प्लस लार्ज अमाउंट में बाई प्रोडक्ट बनता है। दिस इज द बाई प्रोडक्ट। नाउ बाई प्रोडक्ट को अलग कर लिया जाता है, AlOH3 जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था उसको स्ट्रांगली डिहाइड्रेट करेंगे, मतलब इसको स्ट्रांगली हीट अप करेंगे और बन जाएगा प्योर एल्यूमिना, क्योंकि इम्प्योरिटीज पीछे रहेगी। द होल स्टेप इज कॉल्ड एज लीचिंग, ठीक है? नाउ इस स्टेप का एक और नाम हो सकता है लीचिंग बाय NaOH, ठीक है? लीचिंग बाय NaOH, क्योंकि आपने लीचिंग एजेंट क्या लिया है, NaOH लिया है। तो दिस इज द बेयर प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे खत्म होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था पांच प्रोसेस, बात समझ में आई? कौन कौन से देखे हमने? पल्वरेशन देखा हमने फर्स्ट, सेकंड देखा हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग, थर्ड हमने देखा मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ देखा हमने फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग सिर्फ ऑक्साइड ओर के लिए। लीचिंग एक अलग से केस है, तो आपको याद रखना होगा लीचिंग जो है वो एल्यूमिनियम के लिए है प्लस सिल्वर के लिए होता है। मैं सिल्वर के लिए भी बता देता हूँ आपको कि सिल्वर और गोल्ड के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। सेकंड एग्जांपल इज सिल्वर एंड गोल्ड।
देखिए बेटा होता क्या है, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, इसको एक और नाम दिया जाता है मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। मैक आर्थर साइंटिस्ट के नाम थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसको लीचिंग बाय साइनाइडेशन भी बोलते हैं क्योंकि साइनाइड के रूप में कंपाउंड बनता है। तो सिल्वर का हम कोई ओर लेते हैं जो कि होता है Ag2S, दैट इज अर्जेंटाइट ओर, अर्जेंटाइट ओर, ठीक है, इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज थी। नाउ अब यहाँ पे लिया जाता है NaCN, तो ये काम करता है सोडियम साइनाइड एज अ लीचिंग एजेंट का। तो इसका क्या नाम होगा, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। तो सोडियम साइनाइड एक्ट होता है लीचिंग एजेंट की तरह पे, और जैसे इसके साथ होगा तो ये कंपाउंड बना लेता है, दैट इज Na3AgCN whole 6। तो हुआ क्या, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो तो पीछे रह गई, है ना, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो तो सॉल्युबल नहीं, उसने कंपाउंड ही बनाया, जबकि जो हमने लीचिंग एजेंट लिया उसने सिर्फ अर्जेंटाइट ओर में से सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया। हम इस कंपाउंड को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ये इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है क्योंकि साइनाइड के फॉर्म में आ रहा है बाहर। साइनाइड का मतलब CN, CN को बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। तो आगे पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड्स में कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो CN ग्रुप इज कॉल्ड एज साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए इसका एक नाम होता है लीचिंग बाय साइनाइडेशन या लीचिंग बाय साइनाइड ग्रुप, कि साइनाइड के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। अच्छा एक और बात याद रखना कि गोल्ड के लिए भी ये सेम प्रोसेस लागू होता है, गोल्ड और सिल्वर के लिए मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस नहीं, दोनों नाम दिया था और दोनों का लीचिंग करवाया जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड सल्फाइड ले लेंगे, गोल्ड सल्फाइड होगा Au2S3, बाकी सेम प्रोसेस। तो जहाँ सिल्वर है वहाँ पर गोल्ड आ जाएगा, तो सिल्वर और गोल्ड के लिए मैक आर्थर प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया, अब से ज़्यादा पूछा गया है कौन सा, एल्युमिनियम के लिए। तो एल्युमिनियम पे खास ध्यान रखना, बट इट सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप।